लोकतंत्र के महापर्व को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। हम ओडिशा के कॉलेज में हैं जहां काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं पहली बार मतदान करेंगे। आप बताइए क्या है मुद्दे इस बार आपके, किस लिए आप वोट करेंगे? एजुकेशन को लेके जो अच्छा करेगा और फार्मर्स और जो फीमेल हैं उनके लिए जो कुछ अच्छा करेगा उसी को ही चुनना चाहेंगे। जो हाउसवाइफ है उनको भी डेवलपमेंट के लिए देना चाहिए, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, इसको लेकर विद्यार्थी सोचते हैं। कुछ और विद्यार्थी हैं, आप क्या कहेंगे, कैसा नेता चुनना चाहेंगे इस बार? सर मैं वो पर्सन को चूज करूँगा जो खुद क्या अचीव करेगा, वो नहीं सोच के मुल्क क्या अचीव करेगा उसके उसी दिशा में काम करे। देश की प्रगति होनी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, ऐसी सोच है युवाओं की। कुछ और भी युवा हैं उनसे बात करते हैं। आज भी जो भी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में हो या फिर जॉब सेक्टर में रह जाते हैं वो लोग वोट देना नहीं चाहते हैं। वो लोग जाके वोट दें, अपना प्रार्थी चुने जो कि देश के लिए काम करे और सारे डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहे। शिक्षक हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि अपना मतदान जरूर दें, शत प्रतिशत मतदान हो। सब युवा जो पहली बार भी वोट दे रहे हैं, जो पहले से भी वोट देते आ रहे हैं, जरूर मतदान करें। कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में हर कोई आहुति दे, यानी कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि एक अच्छी सरकार चाहिए तो अपना मतदान जरूर करें। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ गिरीश निशाना, DD News, ओडिशा।